अलैक स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर वन दर्थ्स एटमोसफियर टुडे और टॉपिक इज़ द फाइव लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमोसफियर लेकिन उन लेर्स को बताने से पहले मैं आपको एटमोसफियर डिफ़ाइन कर दूँ कि एटमोसफियर क्या होता है एटमोसफियर जिसे हम एयर भी कहते हैं जो हमारी ज़मीन के इतराफ़ में मौजूद गैसेस की लेयर्स होती हैं जो ज़मीन को सूरज की ख़तरनाक शुआओं से महफूज रखती हैं जिसके बग़ैर ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन है और इन एटमोसफियर की लेयर्स ने ज़मीन को चारों इतराफ़ से एक गिलाफ़ की तरह अपनी आगोश में लिया हुआ है एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस एक ख़ास तनासब में मौजूद होती हैं जिसमें 78 परसेंट नाइट्रोजन 21 परसेंट ऑक्सीजन और 1 परसेंट अदर गैसेस और वाटर वेपर शामिल होते हैं वाटर वेपर की प्रेजेंस यहाँ इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि ये बादलों के बनने और बारिश होने में बहुत मददगार साबित होती है अब इस एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़मीन के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्यों एटमॉस्फेयर की लेयर्स इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि एटमॉस्फेयर सूरज की ख़तरनाक शुआओं को ज़मीन तक आने से रोकता है और सूरज से एक्सेसिव हीट मतलब कि ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है ताकि ज़मीन का दर्जा हरारत टम्परेचर तमाम जानदारों के लिए मुफीद रहे एटमोसफियर में मौजूद ओजोन लेयर सूरज की खतरनाक शुआओं अल्ट्राइलेट रेडिएशन्स को ज़मीन तक पहुँचने से पहले फिल्टर करती हैं ओज़ोन लेयर जो कि बहुत अहमियत की हामिल है जिसके बगैर जानदार का ज़मीन पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है दूसरी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिनसे मिलकर एटमॉस्फेयर बनता है जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी हैं ख़ास तौर से पौधों और जानवरों के लिए अब हम पढ़ते हैं द फाइव लेयर्स ऑफ अर्थ एटमोसफियर स्टूडेंट्स अर्थ एसमो अर्थ एटमोसफियर इज डिवाइडेड टू फाइव लेयर्स द फर्स्ट वन इज़ टोपोस्फियर द सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फियर द थर्ड वन इज मीजोसफियर द फोर्थ वन इज थर्मोस्फीयर एंड द फिफ्थ वन इज एक्सोस्फियर स्टूडेंट्स इन सब लेयर्स की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे ट्रोपोस्फीयर जो कि सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की जो सतह समंदर या ज़मीन से ज़ीरो से ट्वेल्व किलोमीटर के फ़ासले की बुलंदी पर है और ये ट्वेंटी किलोमीटर भी हो सकता है इसी लेयर पर हम रहते हैं यहाँ दर्जा हरारत डिक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड के साथ जिसकी वजह से तमाम मौसमी तब्दीलियाँ इसी लेयर में पाई जाती हैं बादलों का बनना भी इसी लेयर का हिस्सा है आबी बुखारात और डस्ट पार्टिकल्स भी इसी लेयर में पाए जाते हैं दूसरी लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर ये ट्रोपोस्फियर के बाद आती है और ये तकरीबन 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की बुलंदी या उससे आगे तक पाई जाती है ओजोन लेयर जो कि ज़मीन पर जिंदगी गुजारने वाले जानदारों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है इसी लेयर में पाई जाती है जो सूरज की खतरनाक शुआओं से हमें बचाती है इसी लेयर में जेट तैयारे भी उड़ते हैं टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से सर्द हवा इस लेयर के बॉटम यानी तदाई हिस्से और गर्म हवा टॉप यानी बलाई हिस्से में पाई जाती है मीज़ोसफियर स्टूडेंट्स मीज़ोसफियर को हम मिडल एटमॉस्फीयर भी कहते हैं ये सतह ज़मीन से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की बुलंदी तक पाई जाती है और यही लेयर शूटिंग स्टार्स यानी मेट्रियर्स का मरकज़ बनती है खला यानी स्पेस से आने वाले मैटियर्स जब ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं तो इसी लेयर में रेजिस्टेंस और दीगर अवामिल की वजह से जलकर शूटिंग स्टार्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हमें आसमान पर आग के शोले नुमा शक्ल में दिखाई देते हैं जिसे हम आम अल्फाज में टूटता हुआ तारा भी कहते हैं थर्मोस्फीयर ये लेयर मीजोसफेयर के पास शुरू होती है और ज़मीन से तकरीबन 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की बुलंदी तक या उससे आगे तक पाई जाती है सूरज के करीब होने की वजह से इस लेयर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये दिन के टाइम 200 तो डिग्री सेंटीग्रेड तक तो गर्म हो जाती है सूरज से आने वाली तमाम शुआं इसी लेयर में एब्जॉर्ब होती हैं तमाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस और सैटेलाइट्स इसी लेयर में पाए जाते हैं जो आम तौर पर सिग्नल्स और कम्युनिकेशन का काम करती हैं इसी लेयर में एक और लेयर भी पाई जाती है जिसे हम आयोनोसफियर कहते हैं जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल्स को आइंस में चेंज कर देती है स्टूडेंट्स द लास्ट वन इज एग्जॉस्फियर और ये एटमॉस्फेयर की सबसे लास्ट लेयर है जिसके बाद ये स्पेस यानी खला शुरू हो जाती है ये सतह ज़मीन से 700 किलोमीटर से लेकर हज़ार किलोमीटर की बुलंदी तक पाई जाती है और इसकी अपर बाउंड्री सतह ज़मीन से तकरीबन दस हज़ार किलोमीटर की बुलंदी तक पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसी लेयर का हिस्सा हैं और ये भी तस्वुर किया जाता है कि इस लेयर में हवा बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती हबल टेलीस्कोप ज़मीन का चक्कर एसटोस्फियर की लेयर में ही लगाती है हबल टेलीस्कोप जो है वो फर्स्ट मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जिसे स्पेस में प्लेस किया गया था थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो